निकालना है भी एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इस प्लेट की चौड़ाई कितनी। ठीक, प्लेट की चौड़ाई दिया हुआ है क्या? कहीं दिया है? डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में कहीं दिया है कि प्लेट की चौड़ाई? देखते हैं, प्लेट की चौड़ाई दिया है, कितना है? 150 150। हमको प्लेट की लंबाई से ऐसे भी कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसका आपको टॉप व्यू बना के दिखाऊं तो टॉप व्यू बनेगा कुछ इस टाइप का। ठीक, ऐसा। ठीक, इस टाइप का बनेगा। और ये भी फिलेट वेल्ड हुआ, ये बट वेल्ड पूरा हुआ, सॉरी फिलेट नहीं बट वेल्ड हुआ। अगर मैं बोलूं कि इस प्लेट की थिकनेस कितनी है? 12 mm। इसका कितना है? 16 mm। और इस प्लेट की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई कितनी है इसकी? 150 mm। ये हो जाएगा इसका लेंथ। ये लंबाई और भी हो सकता है, ये भी और लेंथ हो सकता है। लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं, हम इसमें वेल्डिंग कितने पे करें। अब इसको प्रैक्टिकली दिखा रही हूं, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। एक मेंबर है ये, ठीक, ये वाला 12 mm का प्लेट, ये वाला 16 mm का प्लेट। आपको सामने से जो फोटो बना के दिया है वो दिख रहा है ऐसे, ठीक, ये स्पाइरल को बट वेल्ड मान। ये ग्रीन वाला बुक बिल्कुल सीधा है, ठीक, या ये व्हाइट वाला बुक बिल्कुल सीधा है, और ये ग्रीन वाला बुक हल्का सा ऐसा टेपर्ड, टेपर्ड दिख रहा है क्या? ये मैंने इसको उठा के रखा, ऐसा ही दिख रहा है। ये कनेक्शन इस टाइप का, ठीक, ये वाला। इसको मैं इस हाथ में लेके बताती हूँ तब ज्यादा क्लियर हो। ये व्हाइट वाला प्लेट 12 mm का, ग्रीन वाला प्लेट 16 mm का। व्हाइट प्लेट बिल्कुल सीधी रखिए और ग्रीन प्लेट कैसा है? इस टाइप के एंगल में रखा हुआ। टेपरिंग का मतलब यही होता है कि किसी स्लोप में है, टॉप से स्लोप में, बॉटम से भी स्लोप में। ये इस टाइप का आपको अरेंजमेंट दिख रहा है। अब बात आती है कि आपने बट वेल्डिंग कहाँ किया है? बीचों बीच, ठीक, बट वेल्डिंग कहाँ किया है आपने? बीचों बीच किया है। बीचों बीच किया है तो कितने चौड़ाई में किया है? कितने चौड़ाई में किया है? दोनों बुक की जितनी चौड़ाई थी, कितनी थी? 150 150। हमको ये बुक की इधर की लंबाई से कोई मतलब नहीं। ये हो सकता है आपका 10 मीटर का हो, 5 मीटर का हो, ये हो सकता है 3 मीटर का हो, उससे मतलब नहीं। हमको मतलब है कि हमने ये स्पाइरल कितने पे किया, तो स्पाइरल कितने पे किया या बट वेल्ड कितने पे किया, जितने पे ये दोनों मेंबर जुड़ गए। तो आपको यहाँ पर ये टेपर्ड वाला पॉइंट देख के हड़बड़ाना नहीं। एग्जामिनर क्या किया है, ये टेपर्ड जानबूझ के दिया, टॉप भी टेपर्ड है, बॉटम भी टेपर्ड है, करो टेपर्ड, करना है कोई दिक्कत नहीं। बट वेल्डिंग तो सीधा ही होगा, क्योंकि वेल्डिंग आपको इस सीधी लाइन पे बीच के जंक्शन पे करना है। तो यहाँ पर आपका विड्थ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, या एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 150, ये हो जाएगा 5/8। और आपका इन दोनों में से कौन सी प्लेट थिन है? 12 mm, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 150। है सिंपल क्वेश्चन? ठीक, डायग्राम वायग्राम कुछ मत बनाओ, मैं इसका जो ये वाला बुक वाला डायग्राम ही बना है इसको आपको भेज दूं। आप सिर्फ सॉल्यूशन नोट करो, करो करो, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एल इफेक्टिव इंटू टी आर इंटू सिग्मा एटी। एल इफेक्टिव कितना है? 150। टी आर कितना है? 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिनर प्लेट कौन है? 12 mm। सिग्मा एटी आपको 150 दिया, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन से ये वैल्यू आ रही है 168.75
75 into 10 की पावर 3 न्यूटन, दैट इज 168 किलो न्यूटन। ठीक, अच्छा ये तो बस एग्जैक्ट दिया है, 168.75 इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन को दिखाने का मेरा ये मोटो था कि आप एग्जाम में डायग्राम देख के डरना नहीं। ठीक, सिविल में क्या करता है, डायग्राम देता जरूर है, आड़ा तिरछा कुछ भी बना के दे सकता है, स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डिजाइनर की मर्जी। ठीक, तो आपको क्या करना है, उसके लूप होल को समझना है। यहाँ पर ये टेपर्ड बना तो दिया, बट क्या उसका कोई काम था वेल्डिंग में, नहीं। टेपर्ड किस लिए बनाया होगा, हो सकता है कि ये वाला जो प्लेट था ये बाहर पानी में एक्सपोज था, तो पानी को बचाने के लिए, या ऐसा सिंगल टेपरिंग करता तो पानी को आगे गिराने के लिए इस टाइप से किया होगा। आपका टेपरिंग कहीं पर भी वेल्ड के स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। किस पे बनाइए, डायग्राम पे। क्लियर है सबको? ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। ठीक, चलो करो, नोट इसको करो।